अभी कुछ टाइम पहले मैंने पोर्टेबल गेमिंग कंसोल का रिव्यू किया था और आज हमारे पास आया है Lenovo Legion Go Handheld Gaming Console और काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है। AMD Ryzen Z1 Extreme प्रोसेसर है और काफी शानदार फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें गेमिंग करते हुए टेस्ट करते हैं इसकी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिव टेक स्मार्ट में। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाता है और बॉक्स काफी प्रीमियम देखने को मिल रहा है। जब बॉक्स ही इतना प्रीमियम है तो अंदर का मटेरियल और भी शानदार देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट एक्साइटमेंट को कंटिन्यू करते हुए बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो काफी सारा पेपर वर्क मिल जाता है और एक अपने को मिल जाता है हैंडल बेस, ये आगे मैं बताऊंगा कहाँ यूज आएगा। और फ्रेंड्स, एक अपने को मिल जाता है 65 वोल्ट का टाइप सी एडाप्टर है और काफी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है और यहाँ लेनोवो की ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ अपने को मिल जाता है मेन गेमिंग कंसोल, काफी बड़ी साइज देखने को मिल रही है। और एक अपने को मिल जाता है कैरी बैग और इसकी क्वालिटी मुझे काफी शानदार देखने को मिल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसे कैरी करने में भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी। और मुझे इस बैग में एक अच्छी चीज़ लगी, यहाँ होल देखने को मिल रहा है। जब गेमिंग कंसोल इसके अंदर रहेगा तो आप यहाँ से चार्ज कर पाओगे। ओवरऑल केस की क्वालिटी मुझे काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। सबसे पहले इस गेमिंग कंसोल के मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। और मैंने अभी रिसेंटली में एक गेमिंग कंसोल का रिव्यू किया था और यहाँ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, इसकी डिस्प्ले की साइज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। टोटल PC ABS बिल्ड से ये बना हुआ है और यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट राइट में आपको जॉयस्टिक बटन देखने को मिल जाते हैं और साथ ही RGB के तड़के भी देखने को मिल रहे हैं। और मुझे इस गेमिंग कंसोल में एक सबसे अच्छी चीज लगी, साथ ही आपको यहां ट्रैक पैड देखने को मिल रहा है। लैपटॉप्स में देखने को मिलता है लेकिन यहां लेनोवो ने बोला कि हम यही प्रोवाइड करवाएंगे इस गेमिंग कंसोल में। और जैसे मैं ट्रैक पैड को यूज कर रहा हूँ तो फिंगर में मुझे हल्का सा वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ ABXY के बटन देखने को मिल जाते हैं, साथ ही लेफ्ट साइड में Legion स्पेस बटन मिल जाता है, राइट साइड में Legion कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और जैसे मैं Legion स्पेस बटन पर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो आपको स्टोर वगैरह देखने को मिल जाएगा, लाइब्रेरी, जो भी आपने गेम परचेज कर रखे हैं। और यहाँ से आप सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो, परफॉर्मेंस मोड, डिस्प्ले मोड, ऑडियो और सारी आपको सेटिंग्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ से आप इसके कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो आप इन्हें रिमूव भी कर पाओगे, जो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और जैसे मैं Legion कंट्रोल बटन को प्रेस करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, परफॉर्मेंस मोड, पावर सेविंग मोड और कस्टमाइज मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आप डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग आप यहाँ देख सकते हो और आप यहाँ से चेंज भी कर पाओगे। बाकी कंट्रोल सेटिंग्स आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और साथ ही ऊपर की तरफ लेफ्ट और राइट साइड की तरफ Legion बटन देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोलर्स आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, ऊपर की तरफ भी स्पीकर दिए हुए हैं और साथ ही यहां आपको एयर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। ये पावर बटन दिया हुआ है और रेड कलर में लाइट ग्लो होने का मतलब है अभी ये परफॉर्मेंस मोड पे इनेबल है, ब्लू कलर की लाइट जलेगी तब ये नॉर्मल मोड पे रहेगा। और यहां डीपेड और ये मेनू बटन है और यहां व्यू बटन आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे भी बटन देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। और बैक साइड की तरफ कस्टमाइजेबल बटन देखने को मिल रहे हैं और माउस व्हील आपको यहां देखने को मिल रही है, लेनोवो की ब्रांडिंग और Legion की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है और साथ ही काफी सारा एयर इंटेक देखने को मिल रहा है। और यहाँ बॉटम में ही Legion की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ आपको एक किक स्टैंड भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप रख के और गेम वगैरह को एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही इस गेमिंग कंसोल में आप कंट्रोल्स को रिमूव भी कर पाओगे, तो कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाएगा और यहाँ आपको बटन देखने को मिल रहा है रिमूव करने के लिए। और
कुछ इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा और आप इसे एज ए टेबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो। इस गेमिंग कंसोल के स्पेक्स और अपग्रेड्स पे एक नजर डालते हैं तो इसमें मिलता है AMD Ryzen Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर है जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 5.1 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है। 8 कोर 16 थ्रेड और 16 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं प्रोसेसर काफी पावरफुल आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आपको मैं परफॉर्मेंस टेस्ट कराऊंगा। 16 GB की LPDDR5X 7500 मेगाहर्ट्ज़ की ऑनबोर्ड रैम लगी हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं इन फ्यूचर में आप इसमें रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते लेकिन 16 GB रैम मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। स्टोरेज 512 GB की PCIe NVMe Zen 4 SSD लगी हुई है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने आई रही है और इसमें SSD 2242 साइज की लगी हुई है और अगर आपको स्टोरेज को अपग्रेड करना है तो 512 GB को रिप्लेस करके 1 TB तक एक्सटेंड कर पाओगे। और मुझे अच्छी बात यह भी लगी इस गेमिंग कंसोल में आपको माइक्रो SD कार्ड रीडर स्लॉट मिल जाता है तो आप उस स्लॉट में 2 TB तक माइक्रो कार्ड लगा सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो लेटेस्ट वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.1 दिया हुआ है और वही AMD Radeon के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग वाले पार्ट में देखेंगे कैसा क्या ये परफॉर्म करता है। इस गेमिंग कंसोल की अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो 8.8 इंच की WQXGA IPS ग्लोसी टच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहां मैं आपको बता दूं आप इस गेमिंग कंसोल को आउटडोर में भी यूज कर पाओगे क्योंकि 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। साथ ही 97% DCI-P3 कलर गैमेट है। तो यहां मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स मैंने अब तक कुछ गेमिंग कंसोल के रिव्यूज किए हैं लेकिन उनसे काफी अच्छी क्वालिटी डिस्प्ले देखने को मिल रही है और साथ ही गेमिंग कंसोल है तो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है और आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो 60 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज तक और साथ ही इसमें एंबिएंट लाइट सेंसर मिल जाता है तो जिस एनवायरमेंट में आप रहोगे उस हिसाब से ये ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेगा। साथ ही 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है और ये गेमिंग कंसोल अगर कुछ ऊंचाई से गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी क्योंकि इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इस गेमिंग कंसोल की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो 2 सेल 49.2 वाट आवर की बैटरी लगी हुई है। अगर आप इस पे प्रॉपर गेमिंग करोगे तो आपको 1.5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा और अगर आप इसे परफॉर्मेंस मोड पे यूज करोगे और बेसिक से टास्क करोगे तो आपको आराम से 3 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इस गेमिंग कंसोल की एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें कुछ मल्टीपल बेंचमार्क्स को टेस्ट किए हैं तो सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर देख सकते हो। सिंगल कोर में आपको स्कोर देखने को मिल रहे हैं 1600 से अबव, वही मल्टीकोर स्कोर में 11000 से अबव देखने को मिल रहे हैं। ये हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के स्कोर्स है। ये हैं 3DMark Time Spy के स्कोर CPU और GPU के। और जब मैंने इस लैपटॉप में PCMark 10 को रन कराया तो स्कोर्स आप देख सकते हो 6500 देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी अच्छे हैं। और ये हैं क्रॉसमार्क के स्कोर और इनके बेसिस पे आप अदर गेमिंग कंसोल से कंपेयर कर सकते हो, जिसके स्कोर्स ज्यादा उसके उतने ही बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। यहां फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं AMD Ryzen Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही मुझे स्कोर्स देखने को मिले हैं और जब स्कोर्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलेगी। तो उसी सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट कराता हूं। तो इस कंसोल ने टाइम लगाया ओनली 48 सेकंड और अब टेस्ट कर लेते हैं इस गेमिंग कंसोल की ग्राफिकल परफॉर्मेंस जिसके लिए यह बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं प्ले करने जा रहा हूं सबका फेवरेट GTA 5। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को नेटिव रेजोल्यूशन पे प्ले किया है हाई सेटिंग्स पे और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो CPU 30% यूज आ रहा है और GPU 70° तक जा रहा है। रैम अप्रोक्स 8 GB के आसपास यूज आ रही है और जैसा कि आप देख पा रहे हो 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। और जब मैंने इस गेम को फुल HD रेजोल्यूशन पे प्ले किया तो 80 FPS की फ्रेम रेट मिल रही थी और फैन की मुझे कोई ज्यादा आवाज सुनने को भी नहीं मिली। नेक्स्ट गेम में प्ले करने जा रहा हूँ काफी ग्राफिक ओरिएंटेड गेम, देखते हैं Z1 और AMD Radeon ग्राफिक्स कैसा परफॉर्म करता है। तो मैं प्ले करने जा रहा हूं गॉड ऑफ वॉर। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इसे नेटिव रेजोल्यूशन पे प्ले किया है और जैसा कि आपको बताया कि 2.5K रेजोल्यूशन आपको इस कंसोल का देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो CPU 50% के आसपास यूज आ रहा है और GPU 70° तक जा रहा है और रैम अप्रोक्स 11 GB के आसपास यूज आ रही है और ये मैं क्या देख रहा हूं 20 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं प्लेबल नहीं है क्योंकि हाई रेजोल्यूशन के साथ मैंने इसे प्ले किया था, फुल HD रेजोल्यूशन
सिचुएशन पे प्ले किया था, लेकिन वहां प्ले ये गेम नहीं हो रहा था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस गेम को आप इग्नोर कर सकते हो। और लास्ट में एक और गेम टेस्ट कर लेते हैं, स्नाइपर इलाइट 4। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल HD हाई सेटिंग्स पे प्ले किया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो CPU 30% यूज आ रहा है और GPU 70 डिग्री तक जा रहा था, और रैम अप्रोक्स 7GB के आसपास यूज आ रही है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। यहाँ गेम काफी स्मूथ चल रहा था, ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस काफी शानदार देखने को मिला इस गेमिंग कंसोल के साथ है। और अब इसके हैंड हेल्ड मोड को भी टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और मैंने प्ले किया है GTA 5। जैसा कि आप देख पा रहे हो बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, और आपने अगर बैटल फील्ड पबजी गेम अगर आपने फोन पे प्ले किया है तो वैसा ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और फ्रेंड जो कंफर्ट की बात करूँ वो तो मुझे काफी शानदार देखने को मिल रही है, ऐसा कोई मुझे हाथों में स्वीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिला। और साथ ही इस गेमिंग कंसोल में 6 जायरोस्कोप सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके एक्सपीरियंस को और भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। देखो ओवरऑल यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ गेमिंग एक्सपीरियंस इस गेमिंग कंसोल के साथ मेरा काफी शानदार रहा। और अब लास्ट में इस गेमिंग कंसोल का FPS मोड भी टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कंट्रोलर्स को रिमूव कर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और मैंने इसमें गेम प्ले किया है स्नाइपर इलाइट 4, और जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। जैसे मैं कीबोर्ड पे नहीं खेल रहा था कि अभी थोड़ी टाइम पहले, वैसा ही एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, गेम काफी स्मूथ चल रहा है, और ये एक्सपीरियंस तो काफी नेक्स्ट लेवल है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ FPS मोड में गेम प्ले किया है। और फ्रेंड्स आप इस गेमिंग कंसोल के कंट्रोलर्स को रिमूव करके इसे आप टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो, और आप इस गेमिंग कंसोल को काफी मोड में यूज कर पाओगे। डिटेचेबल मोड है, आप FPS मोड में इसे यूज कर सकते हो, साथ ही हैंड हेल्ड मोड में आप इसे यूज कर पाओगे, और आप इसे बैटल स्टेशन मोड में भी यूज कर सकते हो अलग से एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस लगा के, और मॉनिटर बड़ा साइज का लगा के गेमिंग वगैरह आप कर सकते हो, और साथ ही आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, 4K की एडिटिंग भी कर सकते हो। ओवरऑल इसमें 4 मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यही था Lenovo Legion Go गेमिंग कंसोल का ओवरऑल रिव्यू। देखो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूँ बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा अदर कंपेटिटर ब्रांड से। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो अभी ये लिस्टेड है 90,000 में, और अभी फेस्टिवल सेल चली रही है आपको पता ही है, बैंक डिस्काउंट के बाद ये आपको 80,000 के बजट में मिल जाएगा। देखो फ्रेंड्स ओवरऑल मुझे गेमिंग कंसोल काफी शानदार देखने को मिला, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपके क्या थॉट्स हैं इस गेमिंग कंसोल को लेकर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। सो आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।